बच्चों, लास्ट टाइम पर हमने 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लीकेशन ऑफ द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब कि हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सुमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज प्रीति। सुमित जो है प्रीति से ट्वाइस ओल्ड है, ठीक है। तो प्रीति की एज माननी पड़ेगी, क्योंकि है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ अननोन होती है तो हम उसको वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे कौन अननोन है? प्रीति की एज भी पता नहीं है, सुमित की भी नहीं पता, लेकिन सुमित के बारे में क्या लिखा है? ट्वाइस, और उसके बाद आया प्रीति, मतलब जिस ट्वाइस के बाद, लेस देन के बाद, मोर देन के बाद, जो भी नाम आता है उसको पहले हम मानते हैं। तो ट्वाइस के बाद नाम आया प्रीति, तो हम प्रीति की एज को मानेंगे कि प्रीतिस एज बी एक्स। तो सुमित की एज क्या हो जाएगी? तो सुमित की एज हो जाएगी 2x, क्योंकि ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए मैथमेटिकल सेंटेंस विद द इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ द इक्वलिटी। मतलब कोई सेंटेंस होता है मैथमेटिक्स का, अगर वो इक्वल साइन के साथ होता है तो वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कहलाता है। जैसे कि x+5 का जो आंसर है वो क्या आएगा? इक्वल टू 9। तो इक्वल के साथ हमने क्या किया? ये स्टेटमेंट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को हम बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है? जब आपके पास कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मान लीजिए अगर आप इसको हटा दें तो क्या बचा? x+5, और x+5 क्या? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल का साइन आ जाता है और इक्वल के साइन के दूसरी तरफ कोई नंबर हो या एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, है ना, कभी नंबर भी होता है कभी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है, तो इक्वल का साइन अगर आपको नजर आए तो वो क्या कहलाता है? इक्वेशन। तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वन आर मोर वेरिएबल इज कॉल्ड द इक्वेशन। या फिर उसकी सेकंड डेफिनेशन है, इक्वेशन इज इक्वलिटी बिटवीन टू एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, मतलब दो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे इक्वल के एक तरफ जो है ये भी एक्सप्रेशन है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और 9 को भी हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में क्या है? इक्वल का साइन आया, इसलिए इस पूरे को क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। कुल मिला के अगर हम सिंपल वे में बात करें तो अगर आपको इक्वल का साइन नज़र आ जाए तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो जब तक आपके पास इक्वल का साइन नहीं है, जैसे अगर इक्वल का साइन नहीं है तो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बिना इक्वल के वो कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और जैसे ही आपने इक्वल का साइन देखा तो वो हो जाता है इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन की डेफिनेशन है। अब हम इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने की यहाँ पर जो मेथड आएगी वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन बनती कैसे है वो देखते हैं। एक्सरसाइज असाइनमेंट 9.3, इसका फर्स्ट है, एमसीक्यू है। तो इसमें लिखा है आई थिंक ऑफ ए नंबर एक्स, मतलब मैंने जो सोचा वो नंबर क्या है? एक्स। सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम इट, और उसमें से मैंने सबट्रैक्ट किया किसको? 3 को, मतलब फ्रॉम इट, इट मतलब नंबर में से। तो नंबर क्या था? एक्स। तो एक्स में से क्या माइनस किया? 3। तो क्या हुआ? x-3। देन डिवाइड बाय 5, उसके बाद मैंने उसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया था? नंबर में से 3 माइनस हुआ तो x-3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो द करेक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज, तो हमारा ये तो 3-1 है, ये तो हो नहीं सकता, x-3 है डिवाइडेड बाय 5। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? x-3 करने के बाद डिवाइड करना है, मतलब टोटल पूरे में डिवाइड होगा। तो ये हमारा सी राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड एमसीक्यू, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट्स 5x a नंबर y, मतलब y का 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5y हो गया। टेकन अवे फ्रॉम 17, लेकिन y
का 5 टाइम मतलब 5y जो है वो हम 17 से टेकन अवे लेते हैं, मतलब 17 से माइनस करते हैं, तो फ्रॉम के बाद 17 आया तो 17 से माइनस करेंगे तो 17 आगे रहेगा, 5y पीछे रहेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो 17 माइनस 5y, ये बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स टेस्ट इज 8 मोर देन 2/3 ऑफ एक्स देन इट्स एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे कहा है कि एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैथ टेस्ट में 8 मोर देन, 8 जो है वो ज़्यादा नंबर आए हैं, किसके ज़्यादा, 8 मोर देन हुआ है मतलब 8 को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, और 2/3 मतलब 2/3 किसका, 2/3 ऑफ एक्स, एक्स तो 2/3 एक्स में मोर देन करेंगे, मोर देन मतलब प्लस, तो 2/3 एक्स में प्लस होगा, तो यहाँ पर तो 8 आया ही नहीं, यहाँ पर 8 आया लेकिन 8 माइनस में आ गया, मतलब 8 में से और माइनस कर दिया, लेकिन 2/3 एक्स में 8 प्लस होगा, तो हमारा ऑप्शन सी राइट है, मोर देन के लिए प्लस होता है, तो ये हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इक्वेशंस, इनमें से कौन से इक्वेशन नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे इक्वल का साइन है क्या, नहीं है ना, ये स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन के साइन से इक्वेशन नहीं बनता है, ये लेस देन के साइन से इक्वेशन नहीं बनता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट इक्वेशन, थर्ड वाला इक्वेशन है, यस, यहाँ पे यस में आंसर आएगा, ये यहाँ पे नो में आंसर है, यहाँ पर नो में आंसर है, यहाँ पर यस में आंसर है, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा सारे एक साथ नोट करने के बाद आंसर लिख दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट इक्वेशन। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनके लिए इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है ए नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज 7, सेकंड है सम ऑफ 2 नंबर इज 25। ठीक है, तो हम फर्स्ट के लिए इक्वेशन बनाते हैं, तो हमने सबसे पहले नंबर को माना x, तो लेट द नंबर बी x, फिर ए टी क्यू, ए टी क्यू का फुल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो लिखा है ए नंबर डिवाइडेड बाय 4, मतलब नंबर क्या माना x, तो x जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 4, तो x बाय 4, क्योंकि डिवाइड के लिए बाय अपॉन में लिख सकते हैं, तो x में किसका डिवाइड किया, 4 का, इज मतलब इक्वल, इक्वल टू क्या आता है 7, तो 7, तो x बाय 4 इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है उसमें सम ऑफ 2 नंबर इज 25, तो 2 नंबर का सम 25 है, तो हमने लिखा लेट द 2 नंबर्स बी बी ई, है ना, बी ई है बच्चों, बी ई बी एक्स एंड वाई, माना कि हमने 2 नंबर क्या है एक्स और वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, सम ऑफ 2 नंबर, मतलब कि दोनों नंबर को प्लस करें, सम का मतलब क्या होता है प्लस, तो एक्स प्लस वाई, तो क्या आंसर आता है इज 25, तो इज की जगह पर इक्वल का साइन और 25 इक्वल 25, तो ये इक्वेशन बन गई हमारा, सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है हाफ ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8, तो वापस से हमें 2 नंबर चाहिए, तो हमने वापस लाइन लिखी लेट द 2 नंबर बी एक्स एंड वाई, और उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हाफ ऑफ, मतलब हाफ मतलब 1/2 करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो हाफ ऑफ, तो 2 से डिवाइड किसको करना है, सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर मतलब x प्लस वाई को हाफ करो, हाफ करने के लिए हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो x प्लस वाई को 2 से डिवाइड किया तो इक्वल टू, इज कितना आता है 8, तो इक्वल के बाद 8 लिखेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास है
उसमें लिखा है ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज 12 मोर देन द नंबर, मतलब एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 12 मोर देन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उस नंबर से 12 मोर देन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो नंबर को माना, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर एक्स है, एटी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, अगर नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो इज, इज मतलब इक्वल आ जाएगा, है ना, इज 12 मोर देन द नंबर, तो नंबर से 12 ज़्यादा आंसर आएगा, मतलब किसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो उसी नंबर में 12 प्लस करने पर आएगा, उसके इक्वल होगा। तो इक्वल का साइन लगाकर एक्स में एक्स तो हम जानते हैं, एक्सपोनेंट वाले हमने पढ़ा था, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें वापस से इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट वाला है द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एन 8 इज 17, तो इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट वाला है एटी क्यू, तो यहाँ पर हमें नंबर मानना नहीं है, नंबर हमें पहले से गिवन है, तो क्या गिवन है, एक्स और 8, तो क्या लिखा है, सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स, मतलब एक्स का 3 टाइम्स, और उसमें सम कर दिया, प्लस कर दिया किसको, 8 को, तो इज मतलब इक्वल कितना हो जाता है 17, तो इक्वल 17, तो 3x प्लस 8 इक्वल टू 17, ये हमारा इक्वेशन बना। सेकंड वाला हमारे पास जो है उसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन 1/5 ऑफ x, मतलब x का 1/5, इसका डिफरेंस किसके साथ, 1/10 ऑफ x, 1/10 ऑफ x, तो 1/10 में x का मल्टीप्लाई किया तो 1/5 एक्स का डिफरेंस निकाला, माइनस किया 1/10 एक्स से, तो इज मतलब इक्वल और 3 आता है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो क्या होगा, एक्स और एक्स बाय 5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स से, तो एक्स बाय 10 इक्वल टू 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। 5th वाले में है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम द ब्रीथ ऑफ द होल, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रीथ इज बी मीटर, मतलब हमें है ना यहाँ पर ब्रीथ दे रखी है कि बी मीटर है, लेकिन हमें लेंथ निकालनी है, और लेंथ के लिए क्या स्टेटमेंट है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस मतलब माइनस करें, और किस में 3 टाइम्स द ब्रीथ, ब्रीथ के 3 टाइम्स में, तो ब्रीथ कितनी है बी, तो बी में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3b, और उसमें से लेस करेंगे मतलब माइनस करेंगे किसको, 4 को, तो वो आएगी हमारी लेंथ। तो सॉल्व करते हैं हम इस 5th वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ब्रीथ हमें दे रखी है, ब्रीथ इक्वल टू बी मीटर, तो मीटर मतलब एम, शॉर्ट में हम उसको एम लिखते हैं, तो ब्रीथ हमें दे रखी बी मीटर, और लेंथ के बारे में क्या कहा है कि 3 टाइम्स ब्रीथ, मतलब ब्रीथ का 3 टाइम्स, तो बी में 3 का मल्टीप्लाई किया, लेस देन 4 तो माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हमारा लेंथ है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमें बताना था कि लेंथ कितनी है। आगे बढ़ते हैं, राखी ट्रेवल्स 4x किलोमीटर ऑफ ऑन फुट 2y किलोमीटर बाय साइकिल एंड 9 किलोमीटर बाय बस एक्सप्रेस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राखी बाय द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब राखी जो ट्रेवल करती है वो 4x फुट मतलब पाँव पैदल चलकर 2y किलोमीटर साइकिल से और 9 किलोमीटर बस से, तो टोटल डिस्टेंस को हमें एक्सप्रेस करना है, लिखना है कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका क्या बनेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो होगी मतलब कि उसमें प्लस करेंगे, तो 4x जो पैदल वाला है प्लस 2y जो साइकिल वाला है प्लस 9 जो बस वाला है, तो सभी का प्लस हो जाएगा, तो किलोमीटर में हमारा टोटल डिस्टेंस आ चुकी है।
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेवन क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज द हाइट 8 सेंटीमीटर। तो हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रीथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। तो लेंथ जो है वो 5 टाइम्स है किसकी हाइट की, और ब्रीथ किस तरह से है 10 सेंटीमीटर लेस है किससे, लेंथ से। एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म ऑफ द हाइट। तो लेंथ और ब्रीथ बतानी है किसके टर्म में, किसके रूप में, हाइट के रूप में। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। गिवन में हमें हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ बॉक्स कितना है, तो 5 टाइम्स है एच का, हाइट का। तो 5 का × h में हो गया, तो 5 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई लेंथ। और ब्रीथ कितनी है, तो ब्रीथ ऑफ बॉक्स, तो ब्रीथ ऑफ बॉक्स में कहा कि लेंथ से 10 सेंटीमीटर लेस है, तो लेंथ कितनी है 5h, तो उसमें से 10 सेंटीमीटर 10 को कम कर दिया, तो 5h - 10 सेंटीमीटर क्या हो गई, ब्रीथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। राहुल बायस 5 कॉपीज ऑफ मैथ्स, 2 कॉपीज ऑफ इंग्लिश एंड वाई स्क्वायर कॉपीज ऑफ हिंदी। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ कॉपी एज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे राहुल ने कितनी कॉपी खरीदी, 5 कॉपी तो मैथ्स की खरीदी है, 2x कॉपी इंग्लिश की और वाई स्क्वायर कॉपी हिंदी की। तो टोटल नंबर ऑफ कॉपी कितनी है वो हमें निकालना है। तो टोटल के लिए इन तीनों का प्लस हो जाएगा, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉपीज जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को प्लस करेंगे, तो 5 मैथ्स की कॉपी है प्लस 2x इंग्लिश की कॉपी है प्लस y स्क्वायर हिंदी की कॉपी है। तो तीनों को प्लस करें तो टोटल आ जाएगा, तो इन तीनों प्लस कर देंगे तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, न्यू एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।